देश भर में साल 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। इंडिया का ईवी सेक्टर इज बूमिंग, लेकिन इस इकोसिस्टम में कौन सी कंपनीज इस ट्रेंड को राइड कर रही हैं? और मेरा मतलब सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चरर्स से नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन से है। आज के इस वीडियो में हम इसी में डीप डाइव करने वाले हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या आप रेडी हैं? स्टार्ट करें। ईवी सेक्टर का स्टॉक डीप डाइव। हम सब कंपनीज पे तो बात नहीं कर सकते, तो हमने कुछ स्टॉक्स फिल्टर किए हैं। इसके लिए पहले समझते हैं हमारे स्टॉक्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। हमने वो कंपनीज चुनी हैं जो कुछ बेसिक फिल्टर्स को सरपास करें। पहला, कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का पीई 30 से कम होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का आरओई 10% से ज्यादा होना चाहिए। चौथा, कंपनी का आरओसीई भी 10% से ज्यादा होना चाहिए। पांचवा, कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हो। फाइनली छठा, उस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 35% से ज्यादा होनी चाहिए। एंड यू नो द रीजन व्हाई। ये सारे फिल्टर्स ऐड करके हमारे पास बचती हैं 4 स्टॉक्स। तैयार हैं उनसे मिलने के लिए? पहली कंपनी है टाटा केमिकल्स। आई एम श्योर आपके मन में यही क्वेश्चन आया होगा, टाटा केमिकल्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से क्या लेना देना है। टाटा केमिकल्स का मेन प्रोडक्ट सोडा एश है, जो इस कंपनी का अराउंड 57% रेवेन्यू जनरेट करता है। पूरी दुनिया में टाटा केमिकल्स सोडा एश की तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। इस कंपनी के सोडा एश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया, यूएस, यूके और केन्या में है, जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4.36 MTPA। बट दैट्स नॉट इनफ। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि अनदर 1.15 MTPA एक्सपेंशन इज लाइंड अप। ये सब तो ठीक है, पर सोडा एश का ईवी इकोसिस्टम से क्या लेना देना। वेल, लिथियम को लिथियम आयन बैटरीज बनाने में यूज करते हैं। इसे लिथियम को प्रोसेस करने के लिए सोडा एश एक की रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। नाउ कैन यू पुट 2 and 2 together? लेकिन सोडा एश कितना इम्पोर्टेंट है, जवाब हम एक एग्जांपल के साथ देंगे। SQM, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है, वो हर साल 4 लाख टन सोडा एश कंज्यूम करती है। अगर आप इसके यूनिट इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1 टन लिथियम प्रोडक्शन के लिए लगभग 2 टन सोडा एश यूज होता है। टाटा केमिकल्स का मानना है कि क्योंकि दो सेक्टर्स की ग्रोथ सोलर ग्लास और लिथियम कार्बोनेट, इनकी वजह से सोडा एश की ग्रोथ और डिमांड बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स के स्पेशलिटी डिवीजन के बारे में। इस डिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशलिटी सिलिका बिजनेस। बेसिकली सोडा एश की वैल्यू चेन में प्रेसिपिटेटेड सिलिका एक पार्ट है। इसकी डिमांड हाई परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंट ग्रीन टायर्स और ईवी साइड से बढ़ती है। पर यही नहीं, टाटा केमिकल्स ने 13,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं टू एस्टैब्लिश अ लिथियम आयन सेल फैक्ट्री एट द टाटा मोटर्स सानंद प्लांट इन गुजरात। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 20 गीगावाट होगी, जो एक्सपेंशन के बाद डबल हो सकती है। इनफैक्ट रिसेंटली टाटा ग्रुप ने अपनी पहली बैटरीज की गीगा फैक्ट्री यूके में सेटअप की है। जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल्स और सप्लाई चेन सोर्सिंग इनके ग्रुप कंपनी में से ही होगी। तो सोडा एश की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? दैट्स राइट, टाटा केमिकल्स। इन सब के अलावा टाटा केमिकल्स अपनी ग्रुप कंपनी अग्रताज एनर्जी के साथ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग के प्लान्स बना रही है। इस लिस्ट में दूसरी कंपनी है ग्रेविटा। इस कंपनी के मेन थीम्स लेड रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी है। इनफैक्ट लेड रिसाइकलिंग कंपनी का फ्लैगशिप वर्टिकल है, जिससे वो 87% रेवेन्यू कमाते हैं। उनका बाकी रेवेन्यू टर्न की प्रोजेक्ट्स और एल्यूमिनियम और प्लास्टिक रिसाइकलिंग से आता है। गवर्नमेंट के रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स के जरिए मेटल वेस्ट रिसाइकलिंग लैंडस्केप में काफी बदलाव आए हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने अपने रिपोर्ट में इंडियन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को एक सनराइज सेक्टर का स्टेटस दिया है। लेकिन ग्रेविटा एग्जैक्टली करती क्या है? सिंपल, ये कंपनी उसके प्रोक्योरमेंट नेटवर्क के जरिए बल्क में स्क्रैप खरीदती है और फिर अपने 11 रिसाइकलिंग प्लांट्स में उन स्क्रैप्स को प्रोसेस करती है। फिर वो उससे लेड और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस कई इंडस्ट्रीज में है, जैसे कि पेंट, सिरेमिक्स, पाइप्स, प्लम्बिंग मटेरियल्स, सोल्डर्स, गैसोलीन, बैटरीज, एमिनेशन और कॉस्मेटिक्स। इनफैक्ट आपको ग्रेविटा की कस्टमर प्रोफाइल भी काफी सिमिलर लाइंस पे दिखेगी। 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट लॉन्च किया था, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर को फायदा हुआ था। इस एक्ट ने क्लियर गाइडलाइंस सेट किए फॉर ईवी, पोर्टेबल, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी डिस्पोजल। लेकिन फिर आप वही सवाल करेंगे कि ग्रेविटा के रिसाइकलिंग वर्टिकल का ईवी से क्या लेना देना। ईवी प्रोडक्शन में लिथियम को
कोबाल्ट और ग्रेफाइट के अलावा लेड जैसे मेटल्स भी यूज होते हैं। ईवी गाड़ियों में 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरीज यूज होती हैं, जो इन चीजों का ध्यान रखती हैं। जब मेटल की ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी तो उसके रिसाइकल प्रोड्यूस की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे ग्रेविटा को काफी फायदा हो सकता है। ग्रेविटा की क्लाइंट लिस्ट ऑलरेडी बहुत से बैटरी रिलेटेड प्लेयर्स से भरी पड़ी है। इन दो रीजन के अलावा ग्रेविटा के पास एक बड़ा प्लान है टू एस्टैब्लिश देयर फुट होल्ड इन द लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग स्पेस। लेट अस एक्सप्लेन। ईवी बैटरीज की लाइफ स्पैन 8 से 10 साल की होती है, क्योंकि ईवीज रिसेंटली मेनस्ट्रीम हुए हैं। IEA के एस्टिमेट्स के हिसाब से 100 से 120 गीगावाट आवर ईवी बैटरीज 2030 तक रिटायर होंगी, जिससे एनवायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इट इज लाइकली दैट रिसाइकल बैटरी का फर्स्ट बैच अराउंड 2030 के टाइम मार्केट में आएगा। इससे बैटरी रिसाइकलिंग एक अलग वर्टिकल बन जाएगा। फिलहाल ग्रेविटा इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रही है। इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स में इन्होंने ये भी बताया है दैट दे आर ओपन टू अक्वायरिंग एग्जिस्टिंग लिथियम आयन रिसाइकलिंग प्लांट्स। इसके अलावा कंपनी की टेक्निकल टीम चाइना विजिट कर रही है टू एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर सेटिंग अप अ पायलट प्लांट एट मुंद्रा गुजरात। इस फ्रंट पे होपफुली क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक कुछ एक्शन देखने को मिलना चाहिए। HEG अगली कंपनी के बारे में जानने से पहले आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको पता है कि पेंसिल की टिप किससे बनती है? एनी गेसेस? ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। आंसर है ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट सिर्फ पेंसिल में ही नहीं बल्कि ईवी इकोसिस्टम में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। वंडरिंग हाउ? लेट्स फाइंड आउट। HEG दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी अक्सर स्टील कंपनी से एसोसिएट होती है और आपने भी ये नोटिस किया होगा। पर कैसे? स्टील बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ब्लास्ट आर्क फर्नेस और दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। पहले मेथड से ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है और दूसरे से कम। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रेफाइट का सिर्फ यही एक यूज केस नहीं है। रिसर्च बताती है कि ग्रेफाइट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एनोड मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरीज। और आपको तो मालूम है, जहां ईवीज वहां लिथियम आयन बैटरी। तो HEG, ग्रेफाइट और ईवीज का कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये कनेक्शन कितना डीप है? ईवी बैटरी में लगभग 25-28% ग्रेफाइट की वॉल्यूम होती है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट in the battery by volume and mass. To give context, ye amount lithium se 15 times zyada hai. Currently, China is the most dominant player in the anode production market. Sawal ye hai ki HEG iske bare mein kya karne ka plan kar raha hai. December 2022 mein HEG ne ek wholly owned subsidiary form ki, the Advanced Carbons Company, yani ke TACC. Ye company lithium ion batteries ke liye anode manufacture karegi. Company phase 1 mein 1000 crore rupees invest karegi, जिससे वो 10-12 गीगावाट आवर की सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तैयार करेगी। फेज 2 में कंपनी सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल यानी कि 20-22 गीगावाट आवर तक की जाएगी। 100 एकड़ की इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पिछले महीने ही हुई थी और कंपनी बता रही है कि प्रोडक्शन मार्च या अप्रैल 2025 तक चालू हो जाएगा। HEG के मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि इन्वेस्टमेंट टू आउटपुट रेशियो 1:1 और 1:3 का रहने वाला है। इसका मतलब एनुअल रेवेन्यू 2,000 से 2,600 करोड़ रुपीज के बीच हो सकता है विद अ सेफ एबिटडा मार्जिन गाइडेंस ऑफ 25-30%। HEG के एम्बिशियस प्लान्स यहाँ नहीं रुकते। ग्राफीन और हार्ड कार्बन जैसे एडवांस मटेरियल्स जिनका यूज सोडियम आयन बैटरीज में होता है, उस मार्केट को भी कंपनी टैप करना चाहती है। द एल्यूमिनियम किंग के बारे में सुना है? इंडिया में वो है हिंडाल्को, हमारी लिस्ट में अगली कंपनी। ये आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है और एल्यूमिनियम और कॉपर के लीडिंग इंडियन प्रोड्यूसर हैं। ईवी के बढ़ते इकोसिस्टम और मार्केट की वजह से इन दोनों मेटल्स की भी डिमांड और ग्रोथ बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 70.6 मिलियन टन्स थी। इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक 13.5 मेट्रिक टन की डिमांड ईवी से आएगी, विच इज अ बिग लीप फ्रॉम 3.5 मेट्रिक टन्स इन 2021। पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। इस मेटल की स्पेशलिटी है कि ये लाइट वेट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्टील से ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। 75% ऑफ द एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड इज स्टिल इन यूज टुडे एंड इसके रिसाइकलिंग रेट्स 90% से भी ज्यादा हैं ऑटोमोबाइल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। एरोप्लेन्स जिसमें आप फ्लाई करते हैं वो भी एल्युमिनियम के बने होते हैं। गेस करो कौन सी कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एल्युमिनियम रिसाइकलर है? हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस।
अगर हम EVs की बात करें तो एल्युमिनियम की डिमांड बढ़ती जा रही है एज इट्स मच लाइटर देन स्टील। इसी रीजन से एरोप्लेन्स इससे बने होते हैं। इससे गाड़ी की ड्राइविंग रेंज बढ़ जाती है। बॉडी वेट में 10% रिडक्शन लाने से गाड़ी की ड्राइविंग रेंज 6% इंक्रीज हो जाती है। इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट प्रिडिक्ट करती है कि 2025 तक हर ईवी में लगभग 430 किलोग्राम एल्युमिनियम यूज होगा, अप फ्रॉम 360 किलोग्राम इन 2021। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। एल्युमिनियम की डिमांड ईवीज की डिमांड और बढ़ते यूसेज की वजह से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कॉपर और उसके ग्लोबल शॉर्टेज की। ये मेटल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है और ये मार्केट एक क्रूशियल सप्लाई डेफिसिट से गुजर रहा है। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कहती है कि 2040 तक कॉपर की डिमांड 53% बढ़ेगी, लेकिन उसकी सप्लाई मात्र 16% से बढ़ेगी। ग्रीन ट्रांजिशन को कॉपर मेटल लीड कर रहा है और कॉपर की 55% डिमांड ईवी से आती है, जो एक एवरेज आईसीई इंजन से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। ये जानना जरूरी है कि चाइना कॉपर की ग्लोबल सप्लाई का 50% से ज्यादा कंट्रोल करती है, पर अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रप्शंस हो गए तो इंडिया के लिए वो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हिंडाल्को और नोवेलिस में ऑर्गेनिक कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान जारी है और मेटल स्टॉक्स की डिमांड ग्रोथ की वजह से हिंडाल्को को फायदा हो सकता है। तो ये थी बात ईवी इकोसिस्टम में कुछ कंपनीज की जो इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। जाने से पहले हम कह देना चाहते हैं कि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन रिकमेंडेशन नहीं है और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, तो प्लीज उनको जरूर चेक कर लीजिएगा। और कौन से सेक्टर्स कवर करें कॉमेंट्स में बताइए। आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.